नमस्कार, मैं काजल निषाद। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोकतंत्र जो है हमारा, उसकी एक व्यवस्था है और इस व्यवस्था में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, क्योंकि ये जनता की, जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी गई सरकार है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारे अंदर यानी जनता के अंदर उठ रहे प्रश्नों का उचित उत्तर दे। हमें ये अधिकार हमारा संविधान देता है कि हम अपनी बात रख सकते हैं। जहां हमें कुछ गलत लग रहा हो, जहां हमें कुछ सही नहीं लग रहा हो, हमारे अंदर जिज्ञासा हो रही हो हमारे कुछ प्रश्नों का समाधान करने के लिए, तो हम वो प्रश्न पूछ सकते हैं उस जिम्मेदार व्यक्ति से जिसको हमारे द्वारा चुना गया है। लेकिन यहां देखिए, यहां तो लोकतंत्र को ही बिल्कुल मारा जा रहा है, हमारे संविधान को ही कुचला जा रहा है, बिल्कुल उल्टा सा हो रहा है। कोई कहीं सुनवाई नहीं, कोई कुछ बोलता नहीं, कहीं सरकार ने कभी आपने देखा नहीं होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके सवालों के जवाब दिए हो। टीवी में आ जाकर मन की बात बोलना वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, वो तो आप अपनी मन की बात कहते हैं ना। सरकार से सवाल पूछना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। जैसे आपने देखा होगा, विनय दुबे जी ने लोगों के लिए, जनता के लिए अडानी का पर्दाफाश किया। पानीपत में जाकर उन्होंने, हरियाणा जाकर जो वीडियो बनाया, जो उन्होंने कहा कि अडानी एक अनाज का भंडारण बना रहे हैं जो आगे लोगों के लिए सही नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। जो सरकार अपनी दोस्ती निभा रही है, अरे बाप रे, बहुत गजब याराना है, बहुत गजब दोस्ताना है इनका। जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जनता की नहीं सुन रही है, किसानों की नहीं सुन रही है, किसानों की और कमर तोड़ने के लिए, अपने उद्योगपति मित्र को मदद करने के लिए न जाने कब से ये सब कागज पत्तर कर इनको परमिशन भी दे दी कि आप भंडारण तैयार कीजिए, बनाइए, तो ठीक है ना। आपको डर क्यों लगता अडानी जी? आपने 5 करोड़ का दावा ठोक दिया विनय दुबे जी पर। 5 करोड़ रुपए मायना रखता है आपके लिए? क्या है आपके लिए? तो पार्ले जी बिस्किट के समान है भाई। 5 करोड़ या 10 करोड़ तो आप अपने कुत्ते खिला देते होंगे, आपको क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आम जन को तो फर्क पड़ता है ना, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी भाई। लोकतंत्र टीवी के माध्यम से विनय भाई ने सच्चाई जन जन तक पहुंचाई, जो कि अधिकार है भाई उनका, वो बोल सकते हैं। आपको डर क्यों है इतना? कहीं कुछ गलत है क्या? हाँ, आपने विनय जी पर यह दावा ठोक कर साबित कर दिया कि हाँ, विनय भाई सही कह रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे, जन जन ये जान न जाए कि हाँ हम कुछ यहां गलत कर रहे हैं। आपको डर लग गया। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे हजारों दावे आप ठोक भी देंगे ना, जो आवाज, सच्चाई की आवाज उठाएंगे उन पर, तो क्या कोई फर्क पड़ जाएगा? आवाज बंद हो जाएगी क्या? लोकतंत्र टीवी के माध्यम से वीडियो चल गया तो लोकतंत्र के देव भाई पर भी धमकियां दे रही है आप लोग। प्रेम शंकर जी रिपोर्टर है, उनको भी आप धमकियां दे रहे हैं। तो ये रिपोर्टर की आप आवाज बंद कर देंगे, और मैं आमजन से कह रही हूं कि आमजन, भारतवासी, आप लोग जब आगे नहीं आएंगे तो कल को आपके कोई मुद्दे कौन उठाएगा? आप भी ये पत्रकारों का साथ दीजिए, जो आपकी आवाज उठाते हैं उनका आप लोग साथ दीजिए। जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, ये लोकतंत्र टीवी में जो वीडियो चला है उनको शेयर कीजिए, विनय भाई की बातों को शेयर कीजिए। देखिए, वो आपके लिए लड़ रहे हैं। क्यों किसानों की मांगे पूरी नहीं कर रही है सरकार? क्योंकि डर है ना कि
जो हमारे मित्र को हमने इतना बड़ा भंडारण बनाने का परमिशन दे दिया, ये मित्र भंडारण हमारा भरेंगे तो बाद में जब विपदा आएगी, आपदा आएगी तो खरीदेगा कौन? किसान जागृत हो गया, अगर शिक्षा सब में आ गई, विवेक बुद्धि सब में आ गई, स्टूडेंट जागृत हो गया, जन जन जागृत हो गया, तो बाद में हमारे उद्योगपति मित्र और उद्योगपति कैसे बनेंगे? कुछ एग्रीमेंट जो हमने किए हैं, वादों के पक्के, हम सिर्फ उद्योगपति के लिए है, आम जन के लिए नहीं है। हम वहां जाके फिर वो उनके साथ बैठकर ऐशो आराम वाली अच्छी सी चाय कैसे पिएंगे, याराना कैसे निभाएंगे, है ना? इसलिए मैं आप सबको आज ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि जितना हो सके उतना विनय भाई जैसे लोग और भी जो हमारे मित्र सोशलिस्ट मित्र हैं, जितने आप सबके लिए आवाज उठाते हैं, उनका वीडियो सुनिए, ध्यान से सुनिए, वो क्या कह रहे हैं समझिए, वो आपके लिए आवाज उठाते हैं, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप दबे कुचले न रह जाए। संविधान को समझिए, कुछ लोग तो संविधान में कितनी सारी हमें स्वतंत्रता दी गई है, कुछ लोगों को ज्ञान नहीं है इस बात का, तभी दबे कुचले रह जाते हैं। अरे बाप रे, हम बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, अरे बाप रे, अरे क्या हो जाएगा। विनय भाई जैसे लोग जो है, क्या उनका परिवार नहीं है? वो चाहते तो वो भी आराम से रह सकते थे, क्या फर्क पड़ता है, क्या दिक्कत है, दुनिया में क्या हो रहा है, हम क्यों बोले, हमारा भी एक परिवार है। लेकिन नहीं, ऐसे लोगों का एक जमीर होता है, जमीर मर नहीं जाता है, उनको लगता है कि हम बोले, हम दिखाएं। लोकतंत्र टीवी वाले जितने हैं या पत्रकार हैं, उन सबको लगता है कि नहीं, हम जन जन तक बात पहुंचाए, आवाज उठाए, वो जो मुद्दे हैं जो सरकार ध्यान नहीं दे रही है उन पर हम रोशनी डालें, लोगों को बताएं कि देखो ये सच है, ये सच नहीं है जो चाटुकार बताते हैं। और भला हो सोशल मीडिया का, भला हो यूट्यूब का, भला हो फेसबुक का, कि वीडियो के माध्यम से कम से कम आपको सच्चाइयां तो पता चलती है। नहीं तो ये सब पत्रकार तो दिन भर मोदी करे रहते हैं, क्योंकि इनके घर पे वो सुख सुविधाएं पहुंच जाती है ना, इनको चेक पहुंच जाते हैं, इनका क्या जाता है? आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में दिन भर मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, लेकिन मोदी जी ने ये नहीं किया वो आपको सोशल मीडिया बताता है। और सोशल मीडिया की जितने भी जो हस्तियां हैं जो आपको बताते हैं, उन सबका साथ दीजिए, जितना हो सके उतना वीडियो शेयर कीजिए, जन जन तक ये पहुंचनी चाहिए आवाज कि सरकार में और जनता में समझदारियां होनी चाहिए, मनमानियां नहीं। ठीक, तो आइए विनय दुबे जी भाई जैसे का और हमारे जो प्रेम शंकर भाई पत्रकार है उनका, लोकतंत्र टीवी का और ऐसी कई और चैनल है जो हमें सच्चाई बताते हैं बिना किसी स्वार्थ के, उन सब का हम साथ दें। ठीक, धन्यवाद।